नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़, रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप शुगर फ्री के किसान हो या जूट के किसान हो, दोनों ही किसान भाइयों के लिए अच्छी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। सबसे बड़ी जानकारी आपको मैं दूंगा जो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, और इस समय पे ऐसी जानकारी आना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत अच्छी जानकारी भी है। देखिए, बहुत किसान भाइयों ने मुझे मैसेज डाला कि गौड़ साहब, ऊना की 100% सही जानकारी निकाल के लाइए। तो भैया, आपने बोला और हमने आज ये काम कर दिया। कल शाम को मेरे ऊना के बहुत लोगों से जानकारी हुई है, मतलब मैंने जानकारी ली है कम से कम 5 से 6 लोगों से। एक दो लोग हमारे भी वहां घूमने गए, उन्होंने भी मुझे जानकारी दी है। तो भैया, सबकी जानकारी सेम आ रही है, इसका मतलब बात 100% सत्य है। अब ये जानकारी आप बड़े ध्यान से समझना, जो मैं आपको एक एक बात बताऊंगा ऊना के बारे में बहुत बारीकी से। ऊना में इस समय जो बुआई है वो अभी फिलहाल नहीं हुई है। अब वो ये बता रहे थे ऊना के लोग कि हमारी यहाँ बुआई होती है 25 अगस्त से। अब 25 अगस्त से बुआई होती है तो लगभग वो बता रहे थे 10 सितंबर तक फाइनल हो जाती है। ठीक है, मतलब 15 दिन में फाइनल हो जाती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ऊना के लोगों से जो मेरी जानकारी हुई है वो ये बता रहे हैं कि भाई साहब, 28-29 तारीख को या बारिश पड़ गई है, बारिश की वजह से खेत गीले पड़े हैं, अभी जुतने में या आलू की बुआई करने में अभी समय लग जाएगा कम से कम 5-6 दिन का। यानी 30 तारीख को बात हुई है, तो कहने का मतलब वही है कि 5 सितंबर से शुरुआत होगी बुआई। सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरी बात, उन्होंने जो बीज की बताई वो ये बताई है कि भैया, बीज ऊना में 28-30 या 31 यानी अब धीरे धीरे निकल के आ रहा है। बीज 28-29 तारीख से शुरुआत हुई है, तो कहने का मतलब जब बीज 28-29 तारीख से निकला है तो वहां पर सीधी सी बात है, उससे पहले तो कोई बुआई नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हमारे किसान भाइयों को कुछ लोग बता रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है। दूसरी बात समझ लीजिए, एक लॉजिकल बात यहाँ पे क्या है ये और समझिए। देखिए, जब 25 अगस्त को आलू की बुआई शुरू होती है तो आलू का बीज निकलता होगा 18 तारीख को या 20 अगस्त को, लेकिन जब अब बुआई 5 सितंबर से शुरुआत होगी तो बीज वही निकलेगा 27 तारीख को, 28 तारीख को, 29 तारीख को, 30 तारीख को। अब यहाँ पे एक और बात क्या है, एक बात ये है कि वो लोग ये बता रहे हैं कि भैया, हम आलू की बुआई इस बार धीरे धीरे करेंगे। अब धीरे धीरे क्यों करेंगे, बीज महंगा है, बारिश की कोई पता नहीं है, मतलब 2 एकड़ अभी कर दिया, 2 एकड़ 4 दिन बाद कर दिया, 2 एकड़ 5 दिन बाद कर दिया, 2 एकड़ 6 दिन बाद कर दिया, इस तरीके से आलू की बुआई करेंगे, ये वहां के लोग बता रहे हैं। और ये जानकारी आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी थी, इस वजह से मैं बता रहा हूं कि बुआई वहां पे जो 10 सितंबर तक हो पाएगी वो 10 से 15-20% तक हो पाएगी, जो और बुआई होगी वो 10 सितंबर के बाद ही होगी, ये बात भी आप जान लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि आपको 10 से 12 दिन का समय आसानी से मिल रहा है, मतलब 10 दिन का समय तो पक्का मिल रहा है। अब देखिए, यहाँ पे वो लोग कौन हैं जो आपको एक ज्ञान देते हैं, जो हमारे किसान भाइयों को ज्ञान देने चले आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया, आलू तो बस नवंबर के पहले हफ्ते में आने वाला है, मतलब अक्टूबर के लास्ट में आलू आने वाला है, ये तक बोल देते हैं कुछ लोग। पहले आलू की बुआई तो कर लो, तभी बता देना कि आलू इतनी तारीख को आने वाला है। बुआई करने के बाद तो दुनिया बोलती है कि आलू आने वाला है, ये आने वाला है, बुआई करने से पहले ये लोग बोल रहे हैं। भैया, ऐसे विद्वान लोग कहाँ मिलेंगे आप लोगों को, ये ऐसे वैज्ञानिक हैं जो बिना मिट्टी के, बिना मौसम के ही आलू को कर डालते हैं, और आपका आलू अक्टूबर के लास्ट में ले आएंगे ये लोग। तो हमारे किसान भाइयों का डराने का काम ऐसे ही लोग करते हैं, इन लोगों से आप दूर रहें, ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। दूसरी जानकारी भी मैं आपको बता दूं, कुछ लोग हमारे किसान भाइयों को भविष्य बता रहे हैं। अब भविष्य कैसा बता रहे हैं ये भी सुन लीजिए, तेजी वाला भविष्य नहीं बता रहे, तेजी वाले भविष्य को तो दुनिया बताती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं वो बता तो भविष्य रहे लेकिन उनकी बात को कोई अभी ध्यान में नहीं ले रहा है। अब एक बात यहाँ पे भी बड़े ध्यान से समझिए मेरी बात को, अब मुझे एक बार बताइए, जो भी लोग आज हमारे किसान भाइयों को ये बोल रहे हैं कि आलू में और भी गिरावट आ सकती है, आलू और भी गिर सकता है, क्या वो लोग भविष्य नहीं बता रहे हमारे किसान भाइयों को? उनको कैसे पता है कि आलू अभी और गिरने वाला है या आलू में कुछ होने वाला नहीं है? वो ऐसा भविष्य कहां से देख आए हैं? अगर उनको ऐसे ही लग रहा है तो उन्होंने अपना आलू पूरा क्यों नहीं बेच डाला, या बहुत चीज है ऐसी। तो अब यहाँ पे इस बात को भी हमारे किसान भाइयों को मानना पड़ेगा, जब कोई तेजी की बताता है उसकी तो हर कोई कह देता है कि देखो भविष्य बता रहा है। ये जो लोग आज आपके आलू में गिरावट की बात करते ही जा रहे हैं, ये भी तो आप लोगों को भविष्य बता रहे हैं, इनको कैसे पता है कि आलू में गिरावट ही गिरावट आनी है, कुछ होना ही नहीं है कभी भी? भाई, लॉजिकल पॉइंट यही है, अगर इनको ये पता है कि गिरावट आने वाली है तो कुछ लोग अभी भी खरीद क्यों रहे हैं, खरीद रहे हैं, कुछ लोग अभी रखे बैठे आलू को क्यों रखे बैठे, जब उनको पूरा भविष्य पता ही पड़ गया है और लोगों का भी बिकवा दें। बस ये है कि हमारे किसान भाइयों में अफवाह फैलाना है। और सभी YouTube वालों का काम क्या है ये सुन लीजिए, YouTube वालों का काम सिर्फ इतना है कि आलू में जो भी अफवाह फैल रही है उनको रोकना, और ऐसी अफवाह को हम बिल्कुल खत्म कर देते हैं। आलू वाले जितने भी किसान भाई हैं उनको एक बात समझनी पड़ेगी। और देखिए, यहाँ पे कहने वाली बात नहीं है, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ,
जब जब किसान कोल्डों में आगे गए हैं आलू का भाव पीछे आया है, जब जब किसान पीछे आए हैं आलू का भाव आगे गया है। इस तरीके से समझिए, अगर कोल्ड में किसानों की संख्या बहुत लिमिट से ज्यादा है तो आलू का भाव नीचे हमेशा गिरेगा। अगर कोल्ड में किसानों की जो भीड़ है वो लिमिट से कम है तो भैया हमेशा भाव ऊपर जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। किसान ही आलू को गिरा सकते हैं, किसान ही उठा सकते हैं, हर कोई इस चीज को जानता है। और मैं फिर कह रहा हूं, आलू में गिरावट के भी कारण किसान है, तेजी के भी कारण किसान है। यूट्यूब तो केवल उन लोगों को दूर करते हैं जो हमारे किसान भाइयों में अफवाह फैलाने आते हैं। हम तो केवल उन लोगों के लिए यहाँ बैठे हैं कि हमारे किसान भाइयों के साथ जो लूटमार करा रहे हैं और जो अफवाह फैला रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और प्लस वाली बात समझिए, देखिए आलू में ये 10 दिन लेट हो रहा है उड़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आपका आलू निकल जाएगा, धीरे धीरे आप बेचते रहिए। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ किसान भाई ये सोच कर ना बैठ जाएं कि ऊना तो अब आ ही नहीं रहा है, 10 दिन 15 दिन लेट हो गया, अब तो क्या होने वाला है, ये होने वाला है। आपको इस तरीके से भी नहीं बैठना है, आलू को धीरे धीरे अपने हिसाब से चलते रहना है। जो आप सोच के बैठे उस हिसाब से आप चलिए, लेकिन मौके को मत छोड़िए। जो भी आपके लिए मौका मिल जाए उस मौके का जरूर आप वो फायदा लीजिए। मैंने जिस कोल्ड में 1165 रुपए कल परसों आलू बेच के आया हूँ, उसी के कोल्ड में 1100 रुपए भी आलू बिक रहा है, तो ये मुझे मौका मिला, मैंने बेच दिया। ऐसे मौके को भी आप मत चूकिए। बहुत किसान भाई मुझे रोज रोज मैसेज और कॉल कर रहे हैं कि गौर साहब मजा आ गया, आपने बताया था कि इस मौके का फायदा ले लो, मैंने ले लिया। बाराबंकी के बहुत लोग हैं जिनका आलू 2700 रुपए बिकवाया, 2500 रुपए बिकवाया, बहुत मैसेज पड़े हैं, बहुत वीडियो पड़ी है, मतलब उन्होंने खुद ऑडियो भी डाली है मुझे। लेकिन मैं कभी इस बारे में क्या तारीफ करूं अपनी कि मैंने लोगों का ये फायदा किया या वो फायदा किया है। किसानों की किस्मत है, उनकी अपने तरीके से पैसा मिल रहा है। अब एक दो कुछ चंद लोग तो होती हैं जो हमेशा यही बोलेंगे कि इनकी वजह से नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, जबकि नुकसान खुद की वजह से भी हो रहा है, इस बारे में कोई नहीं बोलेगा। लेकिन आपको चालू के भाव भी मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे एक और जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था, फिलहाल अभी नहीं दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन हो सकता है मैं आपको कल या परसों की वीडियो में दूं, बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी है, ठीक है। और निकासी की भी जानकारी बता दूं, आलू की निकासी भी मैं आपको जल्द दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भैया 70,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर दूंगा, ये भी मैं आपको पहले बता रहा हूं, अभी 100-125 कम है, जब तक ये पूरी नहीं हो जाएंगे मैं जानकारी अभी नहीं दूंगा। दिल्ली मंडी की बात करें, दिल्ली मंडी में आज 123 गाड़ियां, कल की 50-55 गाड़ी बैलेंस है, और 37-97 से 1050 रुपए, डबल वीआईपी क्वालिटी है तो 1,11 रुपए आराम से बिक रहा, कोई दिक्कत नहीं है। चिप्सन आलू 1000 से लेके यहाँ पे बिक रहा है लगभग 1150 रुपए, वीआईपी है तो 1200 रुपए, और 84 साढ़े का एक दो लॉट 1250 में बिक रहा है। सूर्या की बात करें, सूर्या 1200 से लेके 1400 रुपए तक यहाँ पे बिक रहा है 84 वाला, और 1200-1250 अलीगढ़ वाला। हाईब्रिड की बात करें, 800 से लेके 950 रुपए तक। अब यहाँ पे एक बात समझिए भाई, इस समय एक बात पे गौर कीजिए मेरी पे, जो भी चिप्सन आलू रख के बैठे हैं, चिप्सन आलू का भाव देख रहे हो आप क्या हो रहा है, कोल्ड हो या मंडी हो, चिप्सोना भाव में यहाँ पे थोड़ा सा माहौल बदलता हुआ दिख रहा है, इस बात को समझिए। बात को बात करें मुंबई मंडी की, मुंबई मंडी में आज 70 गाड़ी के आसपास पहुंची है, कल की 14 गाड़ी बैलेंस है, आज टोटल 56 गाड़ी पहुंची है नई, तो भाव है यहाँ पे किसान भाइयों 24 से लेके 25-26 रुपए किलो तक लो क्वालिटी के भाव है, और वीआईपी क्वालिटी वही बिक रहा है 26 से लेके 27-28 रुपए किलो तक बिक रहा है, एक दो लॉट 28 नहीं 26-27 तक ज्यादातर बिक रहे हैं। नासिक की बात करें, 23 से लेकर 27 रुपए किलो तक बिक रहे हैं लो क्वालिटी के, वीआईपी क्वालिटी के एक दो रोट यहाँ 28-29 तक बिक रहे हैं, लेकिन नासिक में भैया गाड़ी भी कम है और वीआईपी माल चाहिए, बहुत वीआईपी। कानपुर मंडी की बात करें, 60% गाड़ी यहाँ पहुंची है, कल 70 गाड़ी थी, आज 60% गाड़ी है। आगरा का आलू यहाँ पे जो मोटा है वो 20 से लेके 22-23 रुपए बिक रहा है, और गुल्ला बिक रहा है 16 से लेके 20 रुपए किलो तक, और किरनी बिक रही है 8 से लेके 12 रुपए किलो तक, मतलब 9 से 12 ही मान लीजिए। जो लो क्वालिटी की है बिल्कुल वो लगभग 450 रुपए पैकेट है, और बढ़िया क्वालिटी की यहाँ पे 600-650 रुपए पैकेट है। और बात करें जयपुर मंडी की, जयपुर मंडी में 70 गाड़ी है, और दागी आलू बिक रहे हैं 16 से लेके 20 रुपए किलो, 37-97, और बढ़िया क्वालिटी के बिक रहे हैं 22 से लेके 25 रुपए किलो तक, और हाइब्रिड बिक रहा है 18 से लेके 22 रुपए किलो तक, वीआईपी क्वालिटी का, लो क्वालिटी का बिक रहा है 15 से लेके यहाँ पे 20-21 रुपए किलो तक जो दागी है। बाराबंकी की बात करें, बाराबंकी में 1950 रुपए क्विंटल से लेके यहाँ बिक रहा है 2050 रुपए क्विंटल तक, या 2000 रुपए क्विंटल तक ज्यादातर सौदा हो रहे हैं, एक दो जगह से 2050 की भी आ रही है। बाराबंकी के कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2100 भी बिक गया, लेकिन 2050 ही आप मानिए। बेंगलोर की बात करें, बेंगलोर में आज 26 से लेकर 28 रुपए तक यूपी का आलू यहाँ पे बिका है, लगभग 23,000 आसपास पैकेट पहुंचे, 23,000 पैकेट, और वीआईपी क्वालिटी यहाँ बिक रहा है 29 से लेकर 30-31 रुपए किलो। और बेंगलोर में हसन का आलू भी काफी पहुंच रहा है, हसन के आलू काफी पहुंचने के बाद 12 से 15 हजार पैकेट पहुंच रहे हैं, और हसन का जो पीक है वो ये पीक चल रहा है, मतलब आपका हसन लगभग 10 सितंबर तक पूरी तरह पीक आ जाएगा, 20,000 पैकेट या 25,000 पैकेट जो भी वहां आएंगे, अगर जितने हसन के पैकेट अभी आ रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट में, ये भी बात ध्यान रख लीजिए।
अब बात करते हैं यहाँ के सर्वाइयों चेन्नी मंडी की। चेन्नी मंडी में यहाँ पे यूपी की 17-18 गाड़ी यहाँ पहुंची है और 27 से लेकर 30 रुपए किलो तक लो क्वालिटी के बिक रहे हैं। वीआईपी क्वालिटी है तो 21 से 32 रुपए। अब बात करते हैं चेन्नी मंडी की। चेन्नी मंडी में यहाँ पे वीआईपी क्वालिटी 31-32 रुपए किलो तक बिक रही है, कुछ जगह 32.5 भी बिक रहा है और लो क्वालिटी का 27 से लेकर 30 रुपए किलो भी यहाँ बिक रहा है। हसन का यहाँ 30 से लेकर 32-35 रुपए किलो तक बिक रहा है और इंदौर का भी यहाँ पे लगभग 30 रुपए किलो तक आलू आराम से बिक रहा है। तो किसान भाइयों ये है आज के आलू के भाव और आपके लिए जल्दी कुछ और भी जानकारी मैं दूंगा। हसन से आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अब ऊना से भी आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कोई कुछ भी बताता रहे कि ऊना अब आने वाला है, तब आने वाला है, पहले घड़ाई कर लो तभी बता देना क्या आने वाला है। तो किसान भाइयों ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।